नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कौशल परफेक्शन आईएएस के खास कार्यक्रम ऑडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय इंटरनेट शटडाउन या डिजिटल ब्लैकआउट है। यह विषय संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा के लिहाज से खासा महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक सामान्य अध्ययन पेपर 2 के भारतीय संविधान और सरकारी नीतियाँ तथा हस्तक्षेप से संबंधित है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये खबरों में क्यों है। एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में 84 बार इंटरनेट शटडाउन लागू किया और लगातार पांचवें वर्ष सूची में शीर्ष पर रहा। भारत के सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर द्वारा संचालित इंटरनेट शटडाउन ट्रैकर पोर्टल के अनुसार भारत में 2012 से अब तक कुल 665 इंटरनेट शटडाउन के मामले देखे गए और इनमें से 50% से अधिक शटडाउन वर्ष 2019 के बाद हुए। मणिपुर में इंटरनेट शटडाउन लागू होने के लगभग 3 माह बाद भी राज्य के निवासियों को अभी तक इंटरनेट तक प्रतिबंधित एवं बाधित पहुंच की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट में डिजिटल अधिनायकवाद अर्थात डिजिटल हेजिमोनी की ओर इशारा किया गया है। इंटरनेट शटडाउन लागू करने के कृत्य को डिजिटल स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा माना जाता है। रिपोर्ट इंगित करती है कि शटडाउन को अधिकारियों द्वारा गंभीर अधिकारों के हनन को छिपाने और लोगों और समूहों के बीच संचार को बाधित करने के साधन के रूप में नियोजित किया गया था, जिससे मानव अधिकारों की निगरानी में बाधा उत्पन्न हुई, जैसे शटडाउन पर नज़र रखना और मानवीय सहायता प्रदान करना। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर यह इंटरनेट शटडाउन है क्या? इंटरनेट शटडाउन को विशेष क्षेत्र में इंटरनेट सेवाओं को जानबूझकर बाधित करने के रूप में परिभाषित किया जाता है। वेबसाइटों या प्लेटफॉर्मों तक पहुंच को अवरुद्ध करना, इंटरनेट की गति कम करना या धीमा करना, या इंटरनेट कनेक्टिविटी को पूरी तरह से बंद करना शामिल है। इसे विभिन्न अलग अलग रूपों में लागू किया जाता है। यह अस्थायी हो सकता है, कुछ घंटों या दिनों तक चल सकता है, या वे लंबे समय तक चल सकते हैं, हफ्तों या महीनों तक भी चल सकते हैं। ऐसा प्रायः सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण बनाने के लिए किया जाता है। ये मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड इंटरनेट या दोनों को ही प्रभावित करते हैं। इंटरनेट शटडाउन में अक्सर कनेक्टिविटी या प्रभावित सेवाओं की पहुंच को पूर्णतः प्रतिबंधित या बैंडविड्थ को 2G तक सीमित करने का सहारा लेती है। भारत में इंटरनेट शटडाउन को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून के बारे में जान लेते हैं। पहला है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 144। यह धारा एक जिला मजिस्ट्रेट, एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सार्वजनिक शांति में किसी भी उपद्रव या गड़बड़ी से बचाव या उस पर रोक के लिए ऐसे आदेश जारी करने का अधिकार देती है। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A। यह धारा केंद्र सरकार को इंटरनेट पर किसी भी ऐसी सूचना तक पहुँच को अवरुद्ध करने का अधिकार देती है, जिसे वह भारत की संप्रभुता, अखंडता, सुरक्षा या किसी के उकसाने के लिए हानिकारक मानती हो। तीसरा है अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ मामला 2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि इंटरनेट के माध्यम से सूचना तक पहुंच भारतीय संविधान के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है। चौथा है भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 की धारा 5(2) दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा नियम 2017 के साथ पाठित। ये नियम संघ या राज्य के गृह सचिव को सार्वजनिक आपातकाल सार्वजनिक सुरक्षा के मामले में किसी भी टेलीग्राम सेवा इंटरनेट सहित को निलंबित करने का आदेश या अनुमति देता है। आइए अब जानते हैं इंटरनेट शटडाउन के कारणों को। पहला है गलत सूचनाओं के प्रवाह को रोकना। सूचना के प्रवाह और झूठी या भ्रामक सामग्री के प्रसार से निपटने के लिए सरकारें इंटरनेट शटडाउन लागू कर सकती है।
दूसरा है परीक्षा में नकल को रोकने के लिए। कुछ देशों ने नकल को रोकने के लिए परीक्षण प्रक्रिया की अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट शटडाउन लागू किया जाता है। तीसरा है राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति में आतंकवादी गतिविधियों, संभावित खतरों आदि को रोकने या महत्वपूर्ण अभियानों के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर इंटरनेट शटडाउन लागू किया जा सकता है। चौथा है विधि व्यवस्था या राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए। नागरिक अशांति, विरोध प्रदर्शन या सांप्रदायिक तनाव के दौरान विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी इंटरनेट बंद किया जा सकता है। विशेष प्रदर्शनों के आयोजन रोकने, संभावित हिंसा को नियंत्रित करने के लिए भी प्रशासन या प्राधिकारी वर्ग द्वारा शटडाउन लागू किया जा सकता है। इंटरनेट शटडाउन के प्रमुख प्रभावों को देखते हैं। पहला है आर्थिक प्रभाव। विश्व बैंक की हाल ही की गणना है कि अकेले म्यांमार में इंटरनेट शटडाउन फरवरी दिसंबर 2021 तक लगभग $2.8 मिलियन का नुकसान हुआ, जो पिछले दशक में हुई आर्थिक प्रगति को पलट देती है। सामान्य अर्थ में यह कहा जा सकता है कि इंटरनेट शटडाउन की वास्तविक आर्थिक लागत भी होती है, जो व्यक्तियों के साथ साथ पूरे देश को प्रभावित करती है। आज के दौर में डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं आदि इंटरनेट पर निर्भर है, ऐसे में शटडाउन से बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। यूके में अवस्थित डिजिटल प्राइवेसी ग्रुप top10vpn.com के आकलन के अनुसार वर्ष 2020 में भी इंटरनेट शटडाउन से भारत को 20,000 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। इंटरनेट शटडाउन संचार चैनलों को बाधित करता है, जिसे व्यक्तियों के आपातकालीन सेवाओं में जरूरत पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। ऑनलाइन शिक्षा, ई लर्निंग, अनुसंधान सामग्री, टेलीमेडिसिन, दूरस्थ परामर्श और चिकित्सा जानकारी तक पहुंच में बाधा डालती है। जब लोग प्रतिबंध से बचने के लिए अविश्वसनीय VPN की ओर रुख करते हैं, तो उनका व्यक्तिगत डेटा खतरे में पड़ जाता है। इंटरनेट शटडाउन के कारण आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पत्रकारिता को होने वाला नुकसान किसी भी प्रकार के लाभ से अधिक है। इंटरनेट शटडाउन उन डिजिटल उपकरणों तक पहुंच को कमजोर या समाप्त कर देता है जो चुनाव प्रचार, सार्वजनिक चर्चा को बढ़ावा देने, मतदान आयोजित करने और चुनावी प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। आइए अब आगे की राह के बारे में बात कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकारों की रक्षा और इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उन सरकारों पर दबाव डाल सकते हैं जो इंटरनेट शटडाउन लगाते हैं। सरकार को इंटरनेट शटडाउन के मामले में सावधानी से संयम की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बनाना होगा। अर्थव्यवस्था पर शटडाउन के व्यापक प्रभाव का आकलन भारत सरकार को कराना चाहिए। उन लोगों के लिए सुलभ न्याय तंत्र हो जिनका इंटरनेट शटडाउन के कारण अधिकार प्रभावित हुआ है। इंटरनेट शटडाउन करते समय अनुपातिकता के सिद्धांत और सामाजिक आर्थिक प्रभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पर विचार करना होगा। आज के ऑडियो सीरीज में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए विषय के साथ। तब तक हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।